नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आपके सामने लेकर हाजिर हूं झारखंड पंचायत चुनाव 2022। झारखंड पंचायत चुनाव की घोषणा तुरंत होने वाली है, मई तक चुनाव संपन्न हो जाएगी, चार चरणों में चुनाव होगी। हम नजर डालते हैं क्या खबर निकलकर आ रही है। तो चार चरणों में संपन्न होगा झारखंड का पंचायत चुनाव, जाने कब हो सकती है इसकी घोषणा। मंत्री आलम ने कहा कि पंचायत चुनाव की घोषणा इसी सप्ताह हो सकती है, वहीं मई माह में यह संपन्न हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल तक चुनाव संबंधी सारी कमियां दूर करने का निर्देश दिया गया है। राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि पंचायत चुनाव की घोषणा इस सप्ताह कर दी जाएगी, इस पर काम चल रहा है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं पंचायत चुनाव मई में करा लिया जाएगा, प्रयास हो रहा है कि मई में हर जिले में चुनाव हो जाए, जून तक यह नहीं जाए। इधर आयोग की ओर से सारी तैयारियां की जा रही है, 6 अप्रैल तक चुनाव संबंधी सारी कमियों को दूर करने को कहा गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने इसके लिए जिलों को आवश्यक निर्देश दिया है। सारी तैयारियां के बाद चुनाव की तिथि पर सरकार के साथ विचार विमर्श होगा, फिर राज्यपाल से अनुमोदन लेने के बाद चुनाव की घोषणा की जाएगी। हम आपको बता दें कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराने की तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। इसके अलावा बूथों का गठन, मतदाता सूची का प्रकाशन, सुरक्षा व्यवस्था, बैलेट बॉक्स और स्याही आदि की व्यवस्था जैसी चुनाव की पूर्व तैयारियां पहले पूरी की जा चुकी है। हम आपको बता दें कि झारखंड में इस बार ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की बात कही जा रही थी, लेकिन यह योजना अधर में लटकती नजर आ रही है। राज्य में चल रही 10वीं व 12वीं की परीक्षा क्रमशः 22 व 25 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। इन परीक्षाओं के कारण स्कूलों व शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण अप्रैल के अंत तक चुनाव संभव नहीं है। चार चरणों में चुनाव कराने की संभावना जताई जा रही है। मालूम हो कि वर्ष 2020 में ही राज्य में पंचायत चुनाव लंबित है। तो इस प्रकार झारखंड में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसमें ज्यादातर यह उम्मीद जताई जा रही है, तैयारी यह है कि बिना ओबीसी आरक्षण का ही चुनाव हो जाए। चार चरणों में चुनाव होगी और झारखंड चुनाव से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए क्या करना है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको छूकर, बगल में घंटी जैसी आकृति को छूकर ऑल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद झारखंड चुनाव से संबंधित जो भी खबरें डाली जाएगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।